यूएस और चाइना की वॉर और इंडिया कैसे इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। चाइना और यूएस की ये वॉर चिप्स यानी सेमीकंडक्टर्स की है। चिप्स 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं। कंप्यूटर्स और फोन से लेकर टीवी और कॉफी मेकर तक हर चीज में चिप का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से सेमीकंडक्टर चिप का मार्केट जो अभी $500 बिलियन का है वो 2030 आते आते डबल हो सकता है और ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी में भी इसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। यूएस जो पहले से एक लीडिंग चिप मेकर है इसकी मार्केट पर सुप्रीमेसी चाहता है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी इसके मार्केट को कैप्चर करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए चाइना ने अमेरिका के एक बड़े चिप मेकर माइक्रोन को बैन कर दिया, ये कहते हुए कि ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। वहीं दूसरी तरफ यूएस ने पिछले साल सेमीकंडक्टर चिप्स के चाइना को एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जिससे चाइना को चिप्स या चिप को बनाने वाले इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट रुक जाए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने देश के लोगों को चाइना की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनीज में काम करने पर भी रोक लगा दी है। सेमीकंडक्टर चिप मार्केट को कैप्चर करने से रोकने के लिए अपने एलाई कंट्रीज से भी यूएस बात कर रहा है। दिसंबर 2022 में यूएस ने जापान और नीदरलैंड से बात की कि कैसे चाइना को चिप बनाने वाले इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट रोका जा सकता है। यूएस और चाइना की सेमीकंडक्टर मार्केट को कैप्चर करने के लिए चल रही इस वॉर का इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। कोविड के दौरान सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब्ड होने के बाद वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया भी चिप सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश में है। इंडिया कई कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश कर रहा है। इंडिया चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाने की कोशिश में है। इंडिया में भले ही सेमीकंडक्टर बनाने वाली बड़ी फर्म्स ना हों, लेकिन सेमीकंडक्टर के सेक्टर में बड़ी पार्टनरशिप्स करने पर फोकस कर रहा है और जाइंट्स को इंडिया में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भारत सरकार ने $30 बिलियन के इंसेंटिव्स दिए हैं जिससे इंडिया में इंडस्ट्री में बड़ा पुश मिले। चिप कंसोर्टियम ISMC इंडिया के कर्नाटका में $3 बिलियन का प्लांट सेटअप करेगा। वहीं वेदांता फॉक्सकॉन गुजरात में 1.5 लाख करोड़ लगाकर इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैसिलिटी लगाएगा। वहीं ग्लोबल चिप मेकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया ने $10 बिलियन का प्लान आउटलाइन किया है। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में इंडिया सेमीकंडक्टर के मार्केट में अपनी जगह बना लेगा।